स्टूडेंट्स वेलकम बैक। चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। इससे पहले वीडियो में हमने लाइटनिंग और लाइटनिंग कंडक्टर के विषय में पढ़ा था। अब हम एक जो अर्थक्वेक ये नेचुरल फिनोमिना है भी, जिस प्रकार से लाइटनिंग है उसी प्रकार से अर्थक्वेक्स, तो अर्थक्वेक्स के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स, विंड स्टॉर्म, और इससे पहले वीडियो में हमने लाइटनिंग, इनके विषय में पढ़ा। तो दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इन सभी जो नेचुरल फिनोमिना है, इन सभी के कारण से जो मानव और उसका धन, इन दोनों को हर प्रकार से बहुत भारी नुकसान होता है, विनाश होता है। भाग्यवश इन फिनोमिना की भविष्यवाणी कुछ सीमा तक हो सकती है, ठीक है। वेदर डिपार्टमेंट्स जो मौसम विभाग के लोग होते हैं, वो थंडर स्टॉर्म कहाँ पर डेवलप हो रहा है उसके विषय में जानकारी दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, ठीक है। तो If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. जो thunderstorm है वो हमेशा, और जो lightning है उसकी possibility के कारण से जो cyclones हैं वो तैयार हो जाते हैं, cyclone भी आ जाते हैं। तो so we get time to take मीजर्स, और जब हम कहना चाहिए मौसम विभाग के द्वारा जानकारी हो जाती है तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को उससे सुरक्षा पाने के लिए, है ना। देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, इट इज एन अर्थक्वेक। तो एक जो नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक घटना है, उसकी भविष्यवाणी सही प्रकार से नहीं हो सकती है, और इट इज एन अर्थक्वेक, ये है अर्थक्वेक है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। इसके कारण बहुत एक व्यक्ति की, जिस प्रकार से कहते हैं जान और माल, इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तो ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया, जो बहुत एक बड़ा अर्थक्वेक जो आया था 8 अक्टूबर 2005 को उरी और टंगधार में, जो ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, वहां पर 8 अक्टूबर 2005 को बहुत भारी, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, इससे बहुत भारी नुकसान हुआ था वहां पर। तो बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और इससे पहले 26 जनवरी को 2001 में जो गुजरात है उसके भुज डिस्ट्रिक्ट में एक अर्थक्वेक आया था, इसी प्रकार का विनाशकारी भूकंप। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये किस प्रकार से बिल्डिंग्स ये गिरी पड़ी हैं, ये सब डैमेज हुआ पड़ा है, कितना भारी नुकसान होता है अर्थक्वेक्स के कारण से, ठीक है। लेकिन हमेशा अर्थक्वेक्स इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। अब हम कि अर्थक्वेक्स होता क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट ऑकर्स, और व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट्स, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो। अर्थक्वेक क्या होता है, और जिस समय ये होता है तो क्या होता है उस समय, और व्हाट कैन वी डू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके विषय में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है। एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। अर्थक्वेक्स एक अचानक
पृथ्वी का हिलना डुलना है, ठीक है, जो कि कुछ ही क्षण में समाप्त हो जाता है, और इट इज कॉज्ड बाय ए डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर जो है डिस्टरबेंस होता है गहराई में, और इस कारण से जो है अर्थक्वेक आता है। यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं हम अर्थ का, तो ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये जो ये साइड दिखाई दे रही है अर्थक्वेक्स के अंदर, ये एक एक लेयर की तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन ये लेयर जो है एक सिंपल लेयर नहीं है, इसके बहुत सारे टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स जिसको बोलते हैं, टुकड़े इसके अलग अलग, और इसको हम प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है बहुत सारी प्लेट्स हैं, ये सबसे इनर कोर है, सबसे अंदर का भाग है, इसके बाहर वाला ये आउटर कोर है, और ये फिर मेंटल है, और मेंटल के बाद ये एक अर्थ क्रस्ट है, सबसे बाहरी जो लेयर होती है अर्थ की, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिस्टरबेंस होता है, और जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स के कारण से, ठीक है। और जैसे ही अर्थक्वेक्स आते हैं तो इससे बहुत भारी नुकसान होता है, जैसे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ब्रिज गिर जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं, और लोग भी बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसके कारण से एक जीवन को और धन को, जन और धन दोनों प्रकार से बहुत भारी हानि होती है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज, इसके कारण से बाढ़ आ जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, मतलब वो खिसक जाती है जमीन, और सुनामी आ जाती है। ए मेजर सुनामी ऑकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004, ठीक है। एक बहुत भारी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को जो हिंद महासागर है उसमें आई थी, और इसका भी कारण क्या था, ये अर्थक्वेक्स ही था, ठीक है। लेकिन व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या कारण है, तो इसमें आपने एक अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं तो उनके मुंह से भी सुना होगा, जैसे ये बूझ कहता है कि माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल, एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एंड अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, सो हाउ कुड इट बी ट्रू। मतलब मेरी दादी ने मुझसे बताया था कि जो ये अर्थ है ना, अर्थ एक बुल मतलब सांड के सींग पर शिफ्ट है, मतलब टिकी हुई है, और उसके बाद में जब वो अपनी सींग को बदलता है, मतलब अर्थ एक सींग से दूसरे सींग पर जाता है, तो इस कारण से वो पृथ्वी क्या होती है, हिल जाती है, और इस कारण से अर्थक्वेक आता है। तो क्या ये सत्य हो सकता है? लेकिन प्राचीन समय में लोगों की इस प्रकार की धारणा थी, जब तक जानकारी नहीं थी, तो इस प्रकार की और भी प्रचलित कथाएं हैं बहुत सारी, तो लेकिन ये सत्य बात नहीं है। सत्य बात ये है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो एक लेयर नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे पीस हैं, एक पीस नहीं है, बहुत सारे पीस हैं, अभी मैंने जैसे बोला था, तो इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट, ये फ्रेगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं, इसको हम प्लेट बोलते हैं, और ये प्लेट्स, इनमें जो है गति होती रहती है, और गति के कारण से इसमें दो प्रकार की गति है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक ये कोलाइडिंग है और दूसरी ब्रशिंग पास्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्लेट्स जो है इनमें जैसे गति है, और इनके ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो जैसे प्लेट दिखाई दे रही है, प्लेट यहाँ से इधर से खिसकती है, दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, तो क्या होता है, जब ये दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी तो
ये दूसरी प्लेट को खिसकाएगी, इस प्रकार से वहां क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, हलचल हो जाती है, और इस हलचल के कारण से अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, जो ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स की मूविंग के कारण से, सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर। ठीक है, जो इसकी बाउंड्रीज हैं ये बहुत कमजोर हो जाती हैं गति के कारण से, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स कहते हैं, वीक जोन्स होते हैं ये, और यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स का मतलब भूकंप। तो इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंडेड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन, सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। ये जो वीक जोन है इनको डेंजर जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। ठीक है, जो अर्थक्वेक्स होता है इसके परिमाण को नापने के लिए एक पैमाना होता है जिसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, हर चीज के मापने के लिए एक पैमाना होता है, जैसे लंबाई को नापना है तो उसका जो है मीटर स्केल होता है ना, और जैसे टेम्परेचर नापते हैं तो उसके लिए तापमापी मतलब थर्मामीटर होता है। इसी प्रकार से जो ये अर्थक्वेक होता है इसकी जो तीव्रता है उसको नापने के लिए रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है, रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिएक्टर स्केल। मतलब मैंने जैसे भी पहले बताया था कि ये जो पृथ्वी का कपकपाना है जिसको हम अर्थक्वेक्स कहते हैं, ये हर समय होता रहता है, लेकिन जब रिएक्टर स्केल पर इसका परिमाण मैग्नीट्यूड 7 या 7 से अधिक होता है तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब विनाशकारी होता है। ठीक है, ये हम यहां पर देख रहे हैं, ये सिस्मोग्राफ है, ये इसके लिए सपोर्ट के लिए है, ये एक ड्रम है, रोटेटिंग ड्रम, ये रोटेट करता है, और ये नीचे चार्ट पेपर है, और ये यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पेंडुलम बॉम है ना, गोला सा है, और इसमें एक पेन को फिट कर दिया जाता है, इसमें इंक होती है। ठीक है, और जब द ट्रीमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो जो झटके होते हैं, झटकों से तरंगे उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की सरफेस पर, जो पृथ्वी है पृथ्वी के सरफेस पर इन झटकों के कारण से तरंगे उत्पन्न होती हैं, और दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, इनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इन वेव्स को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड, ये इसमें वाइब्रेटिंग रॉड होती है और ये स्ट्रिंग होती है, विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रीमर्स ऑकर, जब कभी झटके लगते हैं, झटके आते हैं तो उस समय ये अपना कार्य करना शुरू कर देती है, इसमें वाइब्रेटिंग हो जाती है। ठीक है, वाइब्रेटिंग होने के कारण से ये जो पेन है ये इस पर इस प्रकार से साइन आते चले जाते हैं। ठीक है, लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस, डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल, रिएक्टर स्केल इज नॉट लीनियर, और दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक और मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डेस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। इन फैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम्स मोर डेस्ट्रक्टिव एनर्जी
Therefore, an earthquake of magnitude of 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. इसका मतलब ये है कि जो जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 होता है तो वो उसे मतलब 1000 टाइम्स मोर उससे विनाश होता है एनर्जी का, किसकी अपेक्षाकृत, जिसका जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 4 होता है, जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 4 होता है उसकी अपेक्षाकृत जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 होता है तो उससे 1000 गुना जो है एनर्जी का विनाश होता है। तो अब हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट हम क्या सुरक्षा अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, तो उसके विषय में है। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस that earthquakes cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. ठीक है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो earthquakes होता है उसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, लेकिन हमें उसके विनाश से बचने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। तो people लिविंग इन सिस्मिक जोन्स, जो सिस्मिक जोन्स में रहते हैं मतलब वीक जोन्स में रहते हैं जहां पर अधिक मात्रा में ये अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, हमें विशेष प्रकार से वहां पर तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन द दीज जोन्स शुड बी सो डिजाइंड दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रीमर्स। ठीक है, हमें इस प्रकार की बिल्डिंग्स तैयार करनी चाहिए इन जोन्स में कि जैसे मेजर ट्रिमर्स भी हो, बड़े झटके भी हो, तो वो बिल्डिंग खड़ी की खड़ी रह जाए। ठीक है, मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो आज की आधुनिक बिल्डिंग तकनीकी है उसके कारण से ये संभव है। तो कंसल्ट क्वालिफाइड, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, जो योग्य आर्किटेक्ट्स होते हैं तो उससे कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, कि हमें बिल्डिंग बनाते समय इनसे बात करनी चाहिए पहले। इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड ऑफ और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, जो जैसे सिस्मिक एरियाज हैं वहां पर हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है वो मड और टिम्बर का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये जैसे सीमेंट है या आयरन है, इन चीजों से वहां पर बचना चाहिए, और जो उसकी छत है हमारे हाउस की वो हल्की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि वो अगर गिर भी जाए तो अधिक नुकसान ना हो और डैमेज ना हो। तो इट इज बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड स्लैब्स are fixed to the walls so that they do not fall easily. जो ये भी अच्छा होगा यदि हम कपबोर्ड और सेल्फ्स जो है एक वॉल में फिट कर दें। ठीक है, इससे जो है वो जल्दी से गिर नहीं पाएंगे। और be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on people. ठीक है, हमें इसके लिए भी सावधानी पूर्वक एक काम करना चाहिए। जैसे हैंग वॉल होती हैं, जो हमारी क्लॉक्स हम टांग देते हैं वॉल पर, या फोटो फ्रेम्स होते हैं, तो इनको भी अच्छे प्रकार से वहां पर लगाना चाहिए, जिससे कि कभी अर्थ क्वेक आता है, भूकंप का झटका आता है, तो वो लोगों के ऊपर ना गिरे, इस तरह से उसको फिट करना चाहिए। तो सिंस सम बिल्डिंग्स मे कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर और फाइटिंग। ठीक है, तो हमें जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं तो अर्थक्वेक के कारण से कभी कभी क्या होता है उसमें आग भी लग जाती है।
ठीक है। और ये कब होता है, किस प्रकार की बिल्डिंग इसमें होता है, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, हैव फायर फाइटिंग, उसमें आग लग जाती है। और इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर, जो इस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं उनमें हमेशा फायर फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट हमेशा वर्किंग ऑर्डर में रहने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं हो कि वो बेकार हो जाए और वहां पर रखे हुए हैं। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रेसिस्टेंट हाउसेस। जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, उन्होंने इस प्रकार से एक ये इसके विषय में जानकारी की है कि टू मेक क्विक रेसिस्टेंट हाउस, इस प्रकार से जो हानि होने वाली है उससे कैसे बचा जा सकता है। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज नॉट स्ट्राइक, जब अर्थक्वेक आता है तो इस पर जो है हमला ना हो, और टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इससे बचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि हम इफ यू आर एट होम, जब आप घर में हैं तो क्या करना चाहिए उस समय, तो टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, ठीक है। जब या तो हमें टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, या एंड स्टे देयर टिल, और वहां पर तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक वो शेकिंग स्टॉप्स ना हो जाए, मतलब पृथ्वी का हिलना बंद ना हो जाए। तो स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो बड़े और ऊंचे, मतलब भारी और ऊंचे ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, यदि आप बेड पर हैं तो आपको उठना नहीं चाहिए। प्रोटेक्ट योर हेड विद ए पिलो, और अपने जो अपना सिर है, सिर को पिलो से प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब अपने सिर के ऊपर पिलो को रख लेना चाहिए, हो सकता है कोई चीज गिर जाए ऊपर से तो उससे बचा जा सकता है। इफ यू आर आउटडोर्स, यदि आप बाहर हैं तो क्या करना चाहिए, जैसे हम बाहर हैं तो फाइंड ए क्लियर स्पॉट, एक ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहां पर इस प्रकार की कोई चीज ना हो, अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, मतलब जो बड़ी बिल्डिंग है उनसे दूर, या ऊंचे पेड़ हैं, ठीक है, और ओवरहेड पावर लाइंस, जहां पर पावर लाइंस हैं उससे भी दूर जाना चाहिए। ड्रॉप टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर लेट जाना चाहिए, है ना, ड्रॉप टू द ग्राउंड। इफ यू आर इन ए कार और ए बस, यदि आप कार में या बस में हैं तो उससे बाहर नहीं आना चाहिए, और ड्राइवर से कहना चाहिए कि वो गाड़ी को धीरे धीरे एक क्लियर स्टॉप पर, स्पॉट पर ले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप, और उस गाड़ी से तब तक बाहर नहीं आना चाहिए जब तक कि झटके रुक ना जाए। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अर्थक्वेक्स और उसके कारण और उससे बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं ये सीखा। थैंक यू।